तो दोस्तों बात अगर टेलीफोन्स की जाए तो टेलीफोन्स के आविष्कार वैसे तो 14th of February ईयर 1876 में ही हो गई थी, और अगर बात मोबाइल्स की जाए तो दोस्तों आजकल हम लोगों को मालूम है कि टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा आगे बढ़ जा चुका है कि आज हमारे पास मोबाइल परचेज करने के लिए कई सारे ब्रांड्स की ऑप्शंस होती है, जिसमें से हम लोग अपने पसंदीदा ब्रांड्स या फिर उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग अपना मोबाइल परचेज करते हैं। मगर दोस्तों क्या आप लोगों को मालूम है कि इतने सारे ब्रांड्स की ऑप्शन तो हमारे पास अब जाकर आई हैं, मगर सबसे पहला मोबाइल कौन सी ब्रांड ने बनाया था? अगर आप लोगों को मालूम है तो सही, अगर नहीं मालूम है तो बने रहिए मेरे वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मोबाइल इंडस्ट्री में आप लोग इस ब्रांड को यानी कि मोटोरोला ब्रांड को तो जानते ही होंगे, जिसका मोबाइल आज भी मार्केट में कायम है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मोटोरोला कंपनी ने ही अपना सबसे पहला मोबाइल इस दुनिया में बनाया था, और वो कुछ इस तरीके से दिखता था। और दरअसल इस मोबाइल का नाम था डायनाटेक, जो कि ईयर 1983 में मोटोरोला कंपनी द्वारा बनाया गया था। और हाँ दोस्तों, दरअसल इस मोबाइल के पीछे का अजीब बात तो ये है कि दरअसल उस वक्त में इस मोबाइल को पूरे के पूरे 10 घंटा चार्ज किया जाता था, और उसके बावजूद ये मोबाइल सिर्फ मात्र 30 मिनट के लिए ही चलता था। यानी कि 10 घंटे मोबाइल चार्ज कर लेने के बाद ये मोबाइल सिर्फ आधे घंटे के लिए चलता था, और उस वक्त इस मोबाइल को सिर्फ अमीर लोग ही यूज किया करते थे, क्योंकि उस वक्त इस मोबाइल की कीमत पूरी के पूरी $10,000 थी, यानी कि अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो पूरे 7 लाख रुपए की थी ये मोबाइल। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई मोबाइल 7 लाख का होगा तो उसे कोई अमीर ही परचेज करेगा। तो दोस्तों हमारे डेली बेसिस पे यूज की जाने वाली मोबाइल के पीछे की ये इन्फॉर्मेशन क्या आप लोगों को मालूम थी? अगर मालूम थी तो सही, अगर नहीं मालूम थी तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।